नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। और सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है भाई साहब। और सुनाओ क्या हो रहा है? कुछ ना यार भैया, आज हमारे गांव में एक नया ट्रैक्टर आया हुआ है। नया ट्रैक्टर? छोटू ट्रैक्टर आया। बड़े ट्रैक्टर तो बहुत देखे हमने, बड़े देखे, छोटू नहीं देखा। छोटू ट्रैक्टर नहीं देखा, आज पहली बार देखा। हमारे एक भाई साहब है धीरेन्द्र भाई साहब, वो लेके आया नया ट्रैक्टर। गाँव में था ही नहीं? नहीं, पूरे गाँव में नहीं। तो ऐसा कितना छोटा ट्रैक्टर है? ज्यादा छोटा है क्या? ऐसा है क्या? खिलौना जैसा? खिलौना सा ये छोटा सा बच्चा सा ट्रैक्टर है बहन। जो काम कैसा कर रहा है ये बताओ। देखा था अभी जाके, नहीं यार, खेत भी रूटा भी चला रहा है, ट्रॉली भी खींचता है, और बताते हैं और देख के आएंगे। चलो खेत पे चलते हैं, दिखा के लाएंगे आप। आज हमें स्पेशल रूप से इसमारी बुलवाया क्या? दिखाने के लिए? दिखाने के लिए तो बुलवाया आपके लिए। चलो दिखवाते हैं खेत में आज। अच्छा चलो किसान भाई, चलो मैं देख रहा हूँ। आप बता रहे थे यही लेकर आए क्या? भैया यही है ट्रैक्टर, देखो यही है। हाँ यही भाई है। भाई कैमरामैन दिखाना कैसा ट्रैक्टर है यार, ये तो कमाल कर रहा है भाई साहब। हाँ देखो भैया, काम तो कर रहा है, बढ़िया कर रहा है काम तो। है काम तो बहुत बढ़िया, तुम्हें पसंद लग रहा नहीं? भैया देखेंगे अब, पसंद तो है भैया, जब भैया को यूज करके देखेंगे अब। अच्छा अच्छा, तुम तो पहली बार देख रहा हो? हाँ हम तो पहली बार देख रहे हैं भैया। तो इसे मैं भी चला सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं भैया, आप चला सकते हो, देखो चला के दिखा रहा अंकल जी कैसे चलता है। देखो भैया चला के, भाई वाह भाई वाह, क्या कहने, ये तो हर कमाल की चीज पड़े भाई, भाई वाह भाई वाह, ये तो ऐसा चल रहा है, ऐसा बड़ा ट्रैक्टर चलता है मेरा शेर, भाई वाह। तो भाई साहब जी, भाई साहब बताइए, तुम्हारे भाई को आइडिया किसने दिया ऐसी चीज लाने का? यूट्यूब पे देखा भैया। यूट्यूब पे देखा भैया? अच्छा ये तो कमाल यार, यूट्यूब की खासियत, भाई वाह। किसान भाइयों के लिए वरदान साबित लग रहा है भैया। देखो है? पहले बड़े ट्रैक्टर चलाते थे सबके पास, पहली बार आया हमारे गांव में तो ये। अच्छा रेस और भी है इसमें? हाँ रेस और भी है। भाई वाह भाई वाह, ये बात मेरे से, भाई वाह कमाल। किसान भाइयों देखो किस तरह वाहन चल रहा है, और किसानों के लिए एक वरदान साबित है, क्योंकि बड़े ट्रैक्टर किसान भाई को समय समय पर नहीं मिलते, और किसान भाई का जब खेत और लेट हो जाता है जी भैया, तो उसके समय से काम हो जाए, भाई फसल नहीं हो सकता, जिससे उसकी फसल उगाई हो जाती है। और अगाई फसल बोने के लिए किसान भाई छोटे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करे, समय से अपनी फसल ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जी, और इसके द्वारा किसान भाई एक रोजगार भी कर सकता है। तो जो लेकर आए हैं तुम्हारे भाई, उनसे जरा हमारी बात कराओ। चलो भैया बात कराते। नमस्कार जी। नमस्कार। ये आपके गांव के हमें छोटे भाई आपके मिले थे जी, और ये बता रहे हैं हमारे बड़े भाई ट्रैक्टर लेकर आए छोटा खिलौना। जी जी। तो आपके मन में विचार कहाँ से आया? बता रहे थे हमारे बड़े भाई ने YouTube पर देखा था, ऐसे ही है बात? हाँ YouTube पर देखा था। तो आप बागवानी खेती भी लगाते होंगे थोड़ी बहुत? हाँ आलू वगैरह करते हैं। आलू भी करते हैं और बाग की खेती भी करते हैं? नहीं बाग की तो नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो आपने किस पर्वत से लिया, कौन कौन की फसलों में जुताई करने के लिए लिया? छोटे वगैरह खेतों में जोतने के लिए, निराई करने के, गुड़ाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ आपके मुझे ऐसा लग रहा है कई खेत है, जैसे कोई बड़ा खेत होता है तो बड़ा ट्रैक्टर चला जाता है। हाँ। यहाँ पर छोटा खेत होता है वहाँ पर बड़ा ट्रैक्टर नहीं जाता, वहाँ नहीं जा पाता, और समय से आपकी जुताई भी नहीं होती। नहीं। तो उस कारण आप समय से अपनी जुताई भी कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप एक किराया भी कर सकते हैं, और छोटे किसान के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। छोटे किसान के बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो आपने जो मंगवाया कहाँ से मंगवाया? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान। हाँ हाँ। अच्छा, तो कंपनी का नाम पता है? जैसे किसान भाई और भी मंगवा सकते हैं उस कंपनी, एग्रो नाम से कंपनी है भरतपुर नदबई के अंदर। जी जी जी। तो आपने और कंपनी में गए थे या घर बैठे मंगवा लिया था? ऑनलाइन घर बैठे। ऑनलाइन घर बैठे। अच्छा, तो किसान भाइयों को अच्छा व्यवहार लगता है कंपनी वालों का? नहीं नहीं बहुत बढ़िया कंपनी वाला। कैसा बंदा सही बताना? सारे बढ़िया आदमी। सारे बढ़िया आदमी? सभी बढ़िया, वो मालिक बढ़िया है। तो जैसा आपने बुकिंग कराई थी तो कितना अमाउंट डाला था खाते में भैया के? 5000। 5000? 5000 में घर बैठे आ चुका? हाँ। तो आपने जैसे चलाया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी तरह की? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो जैसे आप तैयार कर रहे हैं खेत, इधर जुता पड़ा है, तो इसमें आप क्या बोने जा रहे हैं, कौन सी फसल बोएंगे? सरसों बोई जाएगी, आलू बोए जाएंगे। अच्छा सरसों आलू, तो इसके द्वारा तो कोई सी फसल भी तैयार की कर सकते हैं? और क्या हो जाएगी। अच्छा, तो ये लगभग घंटे में कितनी जुताई कर सकता है? एक घंटे के अंदर? एक घंटे में कर देगा 2 बीघा जमीन। 2 बीघा जमीन। अच्छा, घंटे का पेट्रोल कितना लेता है लगभग?
एक लीटर। एक लीटर हाँ। अच्छा, और ये जो आपने इसमें मैं देख रहा हूँ रूटर वेटर लगा रखा है, ये क्या फिट रूटर वेटर है इसके अंदर? 4 फुट का है। 4 फुट का है हाँ। अच्छा, तो ये जो खुरपी लग रही है इसमें रूटर वेटर, कितनी खुरपी है? ये 32 ब्लेड का है। 32 ब्लेड का। मैं खुरपियों की क्वालिटी देख रहा हूँ, जैसे अभी इनमें धार भी नहीं आई और जुताई काफी बढ़िया कर रहा है, तो इन पर जंग तो नहीं आता? नहीं, हाई कार्बन की है, जंग नहीं आता इन पर। हाई कार्बन की है जी। और इसका जो ये कलर मैं देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया कलर है आपके इस छोटे ट्रैक्टर पावर वीडर का। किसान भाई के यहाँ पर जगह नहीं होती और किसान भाई ले लेता है और बाहर खड़ा कर लेता है, तो इसका कवर तो नहीं उतरेगा? नहीं, रंग कलर नहीं उतरेगा इसका। नहीं उतरता? नहीं। अच्छा, इसकी किसान कंपनी वालों ने कुछ गारंटी वारंटी भी दी है? 1 साल की। 1 साल की गारंटी है। तो आप सबसे पहले इसे मुझे चला के दिखाएं कैसे चलता है, उसके बाद ही आप इसकी बात करेंगे कैसी जुताई करेगा किसान भाइयों को यदि इस पे विश्वास होगा। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है बिल्कुल मस्त चल जाओ, कोई लोड है ही नहीं इसके अंदर। कोई लोड नहीं, बहुत बढ़िया, लोड फ्री हाँ। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है आपकी भी कसरत चल रही है इसके पीछे पीछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो व्यक्ति कसरत करता है ऐसा कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग है, जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलता जब तक शरीर खुलता नहीं, ये बात सही है गलत है? सही है, सही है, सही है। तो इसके साथ परिश्रम भी हो रहा है, आपकी मेहनत भी हो रही है, चलाने में आपको कोई दिक्कत किसी तरह की? बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे कोई किसान इसे लेना चाहे और लेकर चलाना चाहे उसे कोई परेशानी तो नहीं आएगी? कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे आपने लिया आपको अनुभव हो गया हाँ। तो ये क्या गियरों के अंदर है? ये 2 गियर है, 3 गियर है, 3 गियर है। अच्छा 2 गियर है हाँ। 2 गियर आगे के, 1 बैक गियर हाँ, हाँ। 3 गियर इसके अंदर दिए हुए हैं जी। तो इसका जैसे मट्टी चढ़ाने के लिए कोई सिस्टम है अलग? हाँ आता है, क्योंकि इससे तो आप जुताई कर सकते हैं। हम और फसलें बोते हैं जैसे आलू की फसल, उसमें मट्टी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मट्टी चढ़ाने के लिए है कुछ सिस्टम? हाँ मट्टी चढ़ाने वाला भी है। मट्टी चढ़ाने वाला भी है हाँ। अच्छा, और मुझे ऐसा लग रहा जो लोग गन्ना बोते हैं गन्ने में जाए तो मट्टी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए तो ये वरदान साबित लग रहा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने मट्टी चढ़ाने का भी इसके पीछे लगा दिया जी हाँ। और आगे रूटर वेटर भी चल रहा है, पीछे मट्टी भी चढ़ा रहे हैं बहुत शानदार। तो मुझे ऐसा लग रहा है लोड तो उतना ही मान रहा है जितना पहले चल जाता रूटर वेटर पे। हाँ लोड वही है, है? वही लोड है, लोड ज्यादा कुछ नहीं पड़ रहा मुझे ऐसा लग रहा है। और किसान भाई ये देखो किस तरह का ये खून बना रहा है, काफी गहराई में खून है, जो की आराम से गन्ना भी किसान भाई इसके अंदर बो सकता है और गन्ने पे आराम से मिट्टी चढ़ाने का काम बहुत बढ़िया करता है और आलू पे भी मिट्टी चढ़ा सकता है। जिन फसलों पे मिट्टी की जरूरत पड़ती है उन फसलों पे इस यंत्र के द्वारा आराम से मिट्टी किसान भाई चढ़ा सकता है। और बागवानी फसलों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है ये छोटा ट्रैक्टर, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर और नहीं जा सकता, छोटे ट्रैक्टर से जुताई नराई गुड़ाई किसान भाई बड़ी आसानी से अपना काम कर सकता है। इसी तरह की आपको थकावट तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, 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 नहीं। बहुत मस्ती चल रहा हो हाँ। किसान भाइयों देख सकते हैं आज हमारे बीच में जो किसान भाई लेके आए हैं उनके ऊपर ही हम आए हैं और आज वो अपने ही खेत में इस बंजर भूमि में ये तो जुता हुआ खेत था, कई बार पलटे लगा दिए इसके द्वारा क्योंकि आलू तैयार कर रहे हैं, ये सूखे खेत में भी चला के दिखाएंगे किस तरह चलता है। तो सर आपने ये चला के दिखाया बहुत बढ़िया लगा मुझे भी, तो किसान भाइयों को लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए ये बताएं? बिल्कुल लेना चाहिए। तो आप कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय अपना भी दे दो किसान भाई जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, पता लगना चाहिए कि कहाँ के फार्मर थे। हम जिला बुलंदशहर गांव सुल्तानपुर बिलोनी। अच्छा, तहसील डवाई। तहसील डवाई जी। अच्छा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ इसका जो ये टैंक दिया हुआ है पेट्रोल का, कितना पेट्रोल आता है इसके अंदर? लगभग 3 लीटर। 3 लीटर पेट्रोल, तो मुझे उम्मीद है 3 घंटे तो आराम से इसमें चल सकता है, उसके बाद किसान भाई भी आराम खा लो और उसके बाद फिर तेल गिर के फिर चला सकता है जी।
और ये जो सिलेंडर दिया है किसी तरीके से किसान भाई का हाथ ना पहुंचे, बहुत बेहतरीन इसके ऊपर जाली लगा दी, जैसे किसान भाई का हाथ पहुंच भी जाता है तो आराम से उसका हाथ ठोक नहीं सकता है। दूसरी बात, इसमें जो एयर दिया है ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ढक्कन है, किसी तरह से भी किसान भाई आराम से खोल के इसकी सफाई भी कर सकता है। और एयर होता है इसका एयर फिल्टर है, क्योंकि हवा लेने के लिए स्वस्थ हवा चाहिए, जब मिट्टी जाएगी तो आराम से भी बंद हो जाएगा, उसके पूरा सांस नहीं मिल सकता। और इसमें जो आप सर्विस करते हैं तो कितना मोबिल डालते हैं? 750 ml। और ये जो इसका गियर बॉक्स दिया हुआ है इसमें कितना डलता है? 2 लीटर। इसके अंदर 2 लीटर लगता है। तो सर मैं देख रहा हूँ ये जो पहिया लगा हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है किसान भाई आराम से अपने खेत पे ले जा सकता है। और जैसे बैलेंस के लिए, बढ़िया बैलेंस के लिए, जैसे आप खेत पे ले जाते हैं तो ये तो रूटावेटर आपको हटाना पड़ता होगा, पहिए लगाने पड़ते होंगे। हाँ, पहिए लगाते हैं, टायर लगते हैं। अच्छा, इसके अंदर टायर लगते हैं, कोई परेशानी आराम से चला जाता है खेत पे। हाँ। तो किसान भाइयों, इतनी अच्छी जानकारी हमारे आज फार्मर ने दी है, जो भी किसान लेना चाहते हैं वो फुल जानकारी लेके ही इसको खरीदे, क्योंकि किसान भाइयों जो छोटा किसान होता है वो बड़ा ट्रैक्टर ना ले सकता है, क्योंकि इतना उसका बजट नहीं है। तो ये कम बजट में छोटे किसान भाई के लिए एक वरदान साबित है, क्योंकि इसके द्वारा जो छोटा किसान है वो अपनी मजदूरी भी कर सकता है और मजदूरी के साथ साथ एक रोजगार उसे प्राप्त हो सकता है। और ये जो कंपनी है किसान पावर एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी, जो भरतपुर नदवई के अंदर है, और इस कंपनी का भी परिचय लेते हैं अंकल जी से। जो किसान भाई इस कंपनी में जाना चाहते हैं वो कंपनी के अंदर जा सकते हैं, जो ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसकी अंकल जी सर्विस कैसी है? सर्विस बढ़िया है इसकी। कंपनी वाले जैसे कोई परेशानी आती है फोन करते हैं, फोन उठाते हैं आपका? नहीं, उठा लेते हैं। तो कंपनी वाले बढ़िया लगते हैं? हाँ, बढ़िया बंदे, सारा स्टाफ बढ़िया है। तो हमारे फार्मर बता रहे हैं जो कंपनी वाले हैं वो भी आपका फोन उठाएंगे, और स्टाफ जो कंपनी के अंदर है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो जो किसान भाई खरीदना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नंबर है, उन नंबरों पर संपर्क करें। इस पर कुछ गारंटी वारंटी दी है कंपनी वालों ने? हाँ, एक साल की गारंटी जी, और 1 साल की फुल गारंटी है। तो जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो कंपनी के अंदर भी जा सकते हैं और ऑनलाइन फोन पे भी मंगा सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम शक्तिशाली किसान। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।